नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेडमी नोट 12 प्रो प्लस मोबाइल में बैक बटन को चेंज कैसे किया था। दोस्तों यहां पे देख सकते हो हमारे बैक बटन अभी राइट साइड में, लेकिन लाइव प्रूफ आपको लेफ्ट साइड में करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों बैक बटन को चेंज करने के लिए आपको अपना सेटिंग ओपन करना। सेटिंग ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा होम स्क्रीन का, इस पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ से आपके सामने इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको सिस्टम नेविगेशन का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको मिरर बटन्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके सामने टिक इनेबल है तो यहाँ पे बैक बटन दोस्तों राइट साइड में, अगर इस टिक को डिसेबल कर दोगे तो बैक बटन लेफ्ट साइड में हो जाती है। दोस्तों यही टिक एक है, इसको डिसेबल कर दोगे तो बैक बटन लेफ्ट साइड का, इनेबल कर दोगे तो बैक बटन राइट साइड में। तो दोस्तों आप यहाँ से अपने हिसाब से अपनी बैक बटन सेट कर लेना है। तो दोस्तों इस तरह से आप रेडमी नोट 12 प्रो प्लस मोबाइल में बैक बटन को राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट में कर सकते हो बिल्कुल ही आसान तरीके से। दोस्तों वीडियो से आपको सही जानकारी मिले हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।